पांडिचेरी में आयोजित नागेश ट्रॉफी नेशनल ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट में शामिल होने के लिए उत्तराखंड राज्य दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम देहरादून से रवाना हो गई। पांडिचेरी में नागेश ट्रॉफी नेशनल ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट के पांचवें संस्करण के लीग मैच 11 से 15 फरवरी तक होंगे। उत्तराखंड की टीम इससे पहले 23 जनवरी से 8 फरवरी तक देहरादून के कसीगा स्कूल में कड़ा अभ्यास कर चुकी है। यहां टीम का कैंप और अभ्यास शिविर आयोजित किया गया। उत्तराखंड टीम ग्रुप डी में खेलेगी, जिसमें उत्तराखंड के अलावा पांडिचेरी, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश की टीमें शामिल हैं। लीग मैच के पहले स्थान पर आने वाली टीम क्वार्टर फाइनल मैच खेलने के लिए क्वालिफाई होगी। टीम के कप्तान ने कहा कि टीम ने काफी कड़ी मेहनत की है और टीम का मनोबल काफी ऊंचा है। उन्हें यकीन है कि टीम क्वार्टर फाइनल के लिए अवश्य क्वालिफाई करेगी। इस मौके पर टीम को रवाना करने के लिए कई लोग मौजूद रहे, जिन्होंने टीम को शुभकामनाएं भी दी। प्रतिभा कर रही है पूरे भारत वर्ष से। पिछली बार हमारी टीम क्वार्टर फाइनल में जाकर पहुंची थी। इस बार उम्मीद करेंगे हम सेमीफाइनल फाइनल तक पहुँच करके खिताब पर अपना कब्जा जमा पाए। तो हम सब उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग जिस प्रकार से हमारे को कसीगा ने अपना जो ग्राउंड है वो दे करके हमें सहयोग किया और NIEPBD ने हमें रहने खाने और बस की सुविधा दी है और NFB ने संरक्षक के तौर पर हमें अपना सहयोग दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल।